हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की हम डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब विच आंसर द क्वेश्चन ऑफ वेयर नाउन एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वो वाले एडवर्ब जहाँ ये क्वेश्चन क्रिएट हो वेयर का और जिसका आंसर हम वेयर के क्वेश्चन का आंसर जहाँ पे दें उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अब प्लेस से रिलेटेड भी आप ये बात जहन में रख सकते हैं कि प्लेस की बात हो रही है तो जाहिर है ये क्वेश्चन तो क्रिएट होगा कौन सी प्लेस, कहाँ पे, किस जगह, इस तरह के क्वेश्चन एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्रिएट होते हैं। अब इसके एग्जांपल हम इसके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द सर्च फॉर लॉस्ट बुक एवरीवेयर। वेयर द सर्च फॉर लॉस्ट बुक, ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया ना वेयर का कि कहाँ पे वो अपनी जो खोई हुई किताब है उसको कहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो इसका आंसर है एवरीवेयर, हर जगह पे। तो ये जो है एवरीवेयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टैंड हेयर। अब यहाँ पे हेयर ये हमने, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वेयर स्टैंड, वेयर वी स्टैंड या वेयर ही विल स्टैंड, ये इस तरह के वेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं जिसकी वजह से जिसका आंसर है हेयर, यानी यहाँ पे से खड़े हो तुम। तो ये था हेयर, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस कंसिडर किया जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है माई सिस्टर इज़ आउट, वेयर इज़ योर सिस्टर। अब इसमें आपके इसका आंसर दे सकते हैं कि माई सिस्टर इज़ आउट, मेरी सिस्टर जो है बाहर है। तो आउट जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।